है। एंकल लक्सर के उदासीन आश्रम का अखाड़ा निर्माण से निकलने वाली शोभा यात्रा लेकर लक्सर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज लक्सर प्रशासनिक अधिकारी अखाड़ा महंतों से मिले और गहन विचार विमर्श किया। इस दौरान लक्सर उपजिलाधिकारी, लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी, लक्सर कोतवाल, लक्सर एसएसआई के साथ कई अन्य विभाग मौजूद रहे। इस शोभायात्रा में सैकड़ों संत महंतों के शामिल होंगे, इसे लेकर अखाड़े की ओर से भी तैयारियां शुरू की गई है। अखाड़ा महंत का कहना है कि कल शाम तक राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से होते हुए शोभायात्रा लक्सर के चंदन पैलेस में पहुंचेगी। उसके बाद 3 मार्च की सुबह चंदन पैलेस से चलकर पीपली गांव में अखाड़ा निर्वाणसर में पहुंचेगी। यहां यह शोभायात्रा 3 दिन विश्राम करने बाद अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगी। प्रशासन से आज जो मीटिंग हुई है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात के विषय में, सरकार ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम जो है पूर्ण सहयोग करेंगे हर प्रकार से, सफाई का, पानी का, लाइट का, यातायात का। और हमारी जो पेशवाई है 3 तारीख को लक्सर चंदन पैलेस से चलकर पीपली ग्राम में पहुंचेंगे। यहाँ पर पिपली गांव लक्सर में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के प्रांगण में हमारे द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया। यह आयोजन कुंभ 2021 में जो श्री पंचायती अखाड़ा की जमात जो है गुजरात से यहाँ आ रही है और इसके बाद यहाँ से तमाम जो है नगरों में और शहर गांव में होते हुए अपने कनखल और हरिद्वार तक जाएगी, उनका कार्यक्रम है। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके स्तर पर जो भी काम है उनको समय से पूरा कर ले। रास्ते की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, ट्रैफिक प्लान क्या होगा, बिजली, पानी, फायर, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ और किस तरीके से हम कोविड-19 के मानकों का पालन करेंगे, इस सब पर चर्चा हुई और निर्देश दिए।